हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बनाना सीखेंगे ये पोस्टर। तो सबसे पहले मैं इसका एक साइज़ ले लेता हूँ। मैंने इसका साइज़ लिया है अभी 9020x1080। ओके, तो इसके लिए मेरे पास कुछ इमेजेस हैं जो कि मैंने निकाल के रखी हुई हैं। तो ये सब मिलाकर हम एक पोस्टर बनाएंगे आज। तो सबसे पहले बैकग्राउंड में इस इमेज को लेकर जाता हूँ जो कि हमारे बैकग्राउंड में सेट हो चुकी है। अब सेकंड, मैं एक स्टेडियम की इमेज ली है मैंने, जो कि मैं इसमें सेट करूँगा। हम थोड़ा एक अच्छा सा एक पोस्टर लुक देंगे इसको। तो मैं इसको स्केल कर लेता हूँ, ये इतनी ठीक है। ओके, तो अभी हम फेड इसको बाद में करेंगे, पहले हम इमेज को सेट कर लेते हैं। अगली इमेज में लूँगा एक, मुझे बेस चाहिए जिसमें कि मुझे ग्रास की एक इमेज मिली है। तो मैं इसको इसके पीछे रख लेता हूँ, सॉरी इसके ऊपर ही कर लेते हैं इसको। तो अब मैं इस इमेज को मास्क करूँगा और ब्रश टूल से मास्क कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं कलर, मैंने ब्लैक लिया हुआ है, इसको हम मास्क कर लेते हैं ताकि हमें नीचे का एरिया हमें दिखाना है, बस हमें ग्रास पे दिखानी है। ओके, तो अभी थोड़ा सा मुझे और सही कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, जो ये हमारा स्टेडियम की इमेज है इसको हम मास्क कर लेते हैं, इसको भी बैकग्राउंड के साथ थोड़ा मर्ज करेंगे हम। तो यहाँ से हमें कलर ब्लैक लेना है और इसको यहाँ से मास्क कर लेना है। ओके, थोड़ा सा इसको सही से कर लेते हैं, ठीक है, ये सही है। अब हम लाएंगे इमेज, विराट कोहली की इमेज, जो कि मैंने ऑलरेडी कट की हुई है। तो मैं इसको ग्रास के ऊपर ले जाता हूँ और इसको स्केल कर लेता हूँ यहाँ पर, इतना ठीक है ये। ओके, अब इसके बाद हम, और इसके बाद फिर हम एक इमेज, मैंने विराट कोहली की ये पोज मिली हुई है जो कि मैं इसको लेफ़्ट साइड में करूँगा, थोड़ा स्केल करके रखूँगा, इसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर लेते हैं क्योंकि एक अच्छा सा सीन क्रिएट होगा इसमें। इसको साइड कर लेते हैं और मैं यहाँ से ब्लेंडिंग मोड में ये रखूँगा यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा मैं फेड करूँगा हल्का सा। ओके, एंड अब जो है मुझे थोड़ा सा ग्रास को और थोड़ा सा इसका कलर हम सही कर लेते हैं, कलर बैलेंस ठीक कर लेते हैं। हल्का सा इसको मैं ग्रीन की तरफ लेके जाऊंगा और ये थोड़ा सा मैं इसको येलो की तरफ, ताकि ग्रास हमारी अच्छी दिखाई दे, ठीक है। ओके, अब हम इस विराट कोहली का जो ये पैर हैं, ये अभी लग रहा है कि इमेज पे ग्रास पे रखा हुआ नहीं है, मतलब इस तरह का कुछ हम बनाने की कोशिश करेंगे ताकि वो लगे कि इस ग्रास पे ही वो इस तरह के पोज दे रहा है। तो उसके लिए मेरे पास एक ग्रास की कुछ इमेज है, तो इस इमेज को हम ले लेंगे और मैं इसको सिंपली यहाँ पे रखूँगा ताकि थोड़ा सा ग्रास इसके पैरों के पैड के ऊपर, शूज़ के ऊपर आए तो नेचुरल लगे। तो मैं इसको मास्क कर लेता हूँ यहाँ से, ग्रास को, ये एक्स्ट्रा पार्ट को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ कलर चेंज करके। ओके, अब सेम इसी की कॉपी मैं यहाँ लेके यहाँ पर जाऊँगा, ठीक है, जो कि अब देखने में सही लग रहा है। और इसकी हम शेडो भी क्रिएट करेंगे ताकि वो रियल लगे कि वो सरफेस पे उसका पैर है। तो उसके लिए मैं इसके नीचे वाली लेयर पे एक शेडो क्रिएट करूँगा। मैं यहाँ से लूँगा एक ब्लैक कलर, थोड़ा सा, बिल्कुल ब्लैक नहीं, और यहाँ से ब्रश लेके सॉफ्ट वाला, और उसको बड़ा करके हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल टी प्रेस करके हम इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करके छोटा कर लेंगे इस तरह से। अब इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, इसके पैर के पास मैं इसको टच करूँगा। ओके, एंड इसका ब्लेंडिंग मोड मैं रखूँगा
ओवरले, ओवरले मुझे ठीक लग रहा है, तो मैं ओवरले इसका ब्लेंडिंग मोड रख लेता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा लेता हूँ ताकि और अच्छे से दिखे। एक कॉपी और ले लेते हैं ताकि वो थोड़ा डार्क हो जाए। ओके, तो ये ठीक लग रहा है मुझे। अब मैं इसकी कॉपी लेके सेम इसके नी के पास मैं यहाँ पर रखूँगा और इसको थोड़ा सा स्केल करेंगे। ओके, ये भी ठीक हो गया। अब एक और कॉपी लेके सिंगल शैडो की मैं इसके पैर के शूज़ के पास रखूँगा ताकि यहाँ पर भी वो लगे कि रियल उसका पैर ग्रास पर है। ओके, तो ये अभी ठीक लग रहा है। इसको शेडो को हम जितना और अच्छा कर सकते हैं, शेडो पे थोड़ा सा टाइम लगा के आप और अच्छा कर सकते हो, तो अभी के लिए ये ठीक है। तो ये फिट हो गया है अभी। तो अभी हम विराट कोहली की इमेज को थोड़ा सा कलर बैलेंसिंग कर लेते हैं इसकी भी। तो मैं यहाँ पर कलर लुकअप यूज़ करूँगा जो कि काफ़ी फास्ट तरीका है कलर को चेंज करने का। तो मैं इसमें लूँगा कोडैक, जो कि ये वाला कलर मुझे काफ़ी सही लग रहा है। इसमें डिटेलिंग्स भी आ रही हैं और थोड़ी सी इमेज ब्राइट भी हो चुकी है, मतलब निखर के आ गई है। अब मुझे यहाँ टेक्स्ट ऐड करना है कुछ, तो मैं सिंपल एक टेक्स्ट यहाँ लिख देता हूँ, कैप्टन। मैं टेक्स्ट अलग अलग लिखूंगा, विराट कोहली। ओके, तो मैं इसको स्केल करता हूँ बड़ा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा रखूंगा पोस्टर लुक में ताकि वो काफी बड़ा दिखाई दे। ओके, तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं इसी की कॉपी से कोहली लिखूंगा। तो मैं सबसे पहले इसको स्क्यू करूंगा, थोड़ा सा इसको टिल्ट करके तब रखूँगा तो ये अच्छा लगेगा। अब मैं सेम इसी की कॉपी लेके ऑल्ट के साथ, अब मैं इसको यहाँ पर लिख दूँगा कोहली। ओके, तो थोड़ा सा इसके हटा कर थोड़ा सा आगे की, आगे और पीछे की तरफ करके रखेंगे। कैप्टन को भी मुझे सेम उसी तरीके से लिखना होगा। तो एक सेकंड, ये कैप्टन को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसी के सेम एक कॉपी लेके ऑल्ट के साथ कैप्टन मैं लिख देता हूँ। और कैप्टन को हम स्केल करके थोड़ा छोटा रखेंगे, नेम उसका बड़ा रखेंगे। तो ये इस तरह से कुछ कर दिया है, ठीक है। ओके, ये अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं ये इमेज ऊपर आ रही है तो मैं इसको नेम के नीचे कर देता हूँ, ठीक है। और इसका कलर हम इसके कलर से मैच करेंगे कपड़ों से, तो इसका ब्लू कलर है तो मैं यहाँ से ही आई ड्रॉपर से कलर पिक कर लूँगा। जब आप ये कलर पिकर खोलोगे तो बाहर, इसके बाहर जब जाओगे तो ये आई ड्रॉपर आइकन दिखाई देगा, तो आप कहीं से भी कोई सा कलर पिक कर सकते हो। तो मुझे जो कलर लेना है मुझे ये ठीक लग रहा है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से और ब्राइट सा कर देता हूँ। ओके, एंड सेम इसका कलर मैं सेलेक्ट करके कोहली का यहाँ से सेम ये कलर ले लेता हूँ और इसी को मैं डार्क में यूज़ कर लेता हूँ। ज़्यादा डार्क नहीं, थोड़ा सा डार्क करके रखेंगे जो कि ठीक लगे। ओके, एंड कैप्टन का भी मुझे कलर थोड़ा सा चेंज करना है। ओके, कैप्टन वैसे हम वाइट में भी रख सकते हैं लेकिन वाइट दिखेगा नहीं, तो मैं सेम यही कलर इसको रख लेता हूँ। ओके, तो अभी यहाँ तक हमारा बन चुका है, ये ठीक है। अब मैं इसमें कुछ और ऐड करूँगा, जैसे कि मेरे पास ये फ्लेयर है जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी एक यूज़ की थी फ्लेयर, तो मैं सेम इस फ्लेयर को यहाँ पर भी यूज़ करूँगा। तो इसको मैं सबसे टॉप पे लेके जाता हूँ और यहाँ पे इसका कलर कर देता हूँ लाइट लीनियर डॉज, और इसको स्केल कर लेते हैं थोड़ा सा और इसके साथ टेक्स्ट के साथ इसको थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इसमें लाइनिंग आ रही है तो मुझे शायद इसका कलर मोड और चेंज करना पड़ेगा। हाँ, स्क्रीन मुझे ठीक लग गया है,
स्क्रीन में सही है, तो अभी थोड़ी सी ये लाइनिंग हमें दिख रही है यहाँ पर, तो हम इसको मास्क कर लेंगे। तो उस लेयर को सिलेक्ट करके सिंपल यहाँ से मास्क ऑन किया और ब्रश टूल से जो बाहर का एरिया ये दिख रहा है हम इसको हटा देते हैं, मास्क कर लेते हैं। ओके एंड सिंपल एक और इसकी कॉपी लेते हैं और इसको कहीं यहाँ पर सेट कर लेते हैं। अगेन इसको थोड़ा सा जो ये मास्क लगा देता हूँ, ठीक है, इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी हम कम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको, ये ठीक है। ओके इसको हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, हाँ ये ठीक है, अभी ये ठीक लगने लग गया है। तो अभी हम इसमें और भी कुछ चीज़ ऐड करेंगे, जैसे कि मेरे पास इंक स्प्लैश का एक इमेज है, PNG है, तो मैं सिंपल इसकी टेक्स्ट के पीछे मैं इसको डालूँगा, तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके इसके पीछे मैं ऐड कर देता हूँ। ये विराट कोहली के पीछे चला गया है टेक्स्ट के, तो अभी ये मर्ज हो गया है, हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ से डबल क्लिक करके हम इस पर यहाँ से कलर ओवरले इसका चेंज कर देंगे, जो कि हम उसका रखेंगे वाइट, ताकि हमारा ये स्प्लैश भी, ये इंक दिखाई दे और टेक्स्ट भी हमारा अच्छे से दिखाई दे। तो ये अभी ठीक लग रहा है। तो अभी हम इसमें और भी कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे कि मेरे पास फायर स्पार्कल्स है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी यही सेम इमेज यूज़ की थी, तो मैं इसको टॉप पे लेकर जाऊंगा और यहाँ से मैं इसको लीनियर डॉज ये रखूँगा, तो ये मुझे सही लग रहा है यहाँ पर, तो ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है पोस्टर। अभी मैं ये इमेज को थोड़ा सा मैं डाउन कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको डाउन कर देते हैं। ओके एंड अब हम थोड़ा सा यहाँ पे कलर वेरिएशन थोड़ा सा हम कुछ देंगे अभी, जैसे कुछ ये स्काई थोड़ा सा मिक्स नहीं हो रहा है, तो मैं इस लाक बैकग्राउंड जो इमेजेस है उसको थोड़ा सा मैं कलर बैलेंसिंग करूँगा उसकी, उसको मैं ब्लू की तरफ थोड़ा लेके जाऊँगा और कलर सियान की तरफ लेकर जाऊँगा, तो ये हमारा बैकग्राउंड के साथ थोड़ा मिक्स हो चुका है ये कलर, ये काफ़ी सही लग रहा है। ओके अब हम इसमें कुछ ऊपर कुछ कलर्स के स्पॉट हम यूज़ करेंगे, जैसे कि मैं एक कलर इसमें ले लेता हूँ, ऑरेंज टाइप का कुछ कलर ले लेते हैं और ब्रश लेके उसको बड़ा करके हम एक यहाँ पर स्पॉट बनाते हैं कुछ ऐसे, और इसको हम कर देते हैं कलर डॉज, और इसका ओपेसिटी को हम थोड़ा सा इसको घटाएंगे, तो एक अलग सा थोड़ा सा कलर लुक आएगा इमेज में। तो मैं इसको उसके पीछे कर देता हूँ, विराट कोहली के पीछे, ये इमेज के पीछे लेकर आता हूँ मैं इसको थोड़ा सा। ये यहाँ पर ठीक लग रहा है। अब हम यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ करेंगे, जो कि पूरे ही इमेज को कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, सब कुछ और अच्छा लगने लग जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ से कलर लुकअप पे जाऊँगा, तो यहाँ से हम ये फ्री स्ट्रिप लुक करके हमने ये लट हम यूज़ करेंगे, सबका कलर इसने कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा कर दिया है। तो अभी ग्रास हमारी थोड़ी सी ज़्यादा ग्रीन हो चुकी है, तो उसको हम थोड़ा सा यहाँ से कम करेंगे, ये ऐसे करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा इसको रेड इसकी तरफ ले जाते हैं, तो ये इस तरह से हो गया है। तो दोस्तों अब ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है पोस्टर, तो ये कितना आसानी से हमने बनाया है, जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। तो आप भी ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, कुछ नया क्रिएटिव करेंगे। ओके बाय बाय।